आज हम चाइनीज सोया छाप बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। चाइनीज सोया छाप बनाने के लिए ये सोयाबीन वड़ी हैं। इन दोनों को मैंने रात भर भिगो के रखा था। सोयाबीन वड़ी को नहीं उबाला और फिर मिक्सर में इसका पेस्ट बना लिया और सोयाबीन का भी पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी डालकर दोनों में और फिर पेस्ट बनाया है हमने इसको। सोयाबीन वड़ी को बिल्कुल नहीं उबाला है, आप भी ना उबालें और कच्चा ही पीस लें। मैदा, मैदे के अंदर हम मोयन डालेंगे, ये तेल का मोयन है। नमक आप कम भी डाल सकते हैं क्योंकि हम जब इसका चाइनीज़ बनाएंगे तब और भी डाल सकेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मोयन इतना डालना है कि ऐसा मुट्ठी बन जाए। लहसुन हरी मिर्ची को क्रश कर लेंगे। लहसुन हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे हम। ये मैदा सोयाबीन और सोयाबीन की वड़ी से ही गूँथेंगे। तो एक चम्मच में ये सोयाबीन डाल रही हूँ और एक चम्मच में सोयाबीन की वड़ी डाल रही हूँ। मिक्स करते हैं। अगर मैदा अच्छे से नहीं गुथाया तो फिर थोड़ा थोड़ा और डालेंगे दोनों। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम नहीं डालेंगे। इस हिसाब से आप मैदा लें और इन दोनों का पेस्ट डालकर फिर मैदे को गूँथ लें तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि मैदा कितना लेना है और ये दोनों पेस्ट कितने लेने हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हमने रोटी बेल ली है। ये मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, जैसे हम चपाती बनाते वैसी है, गेहूं की चपाती बनाते वैसी। अब इसके किनारे निकाल लेंगे और एक एक इंच के ऐसे लंबे लंबे बना लेंगे। ये देखिए हमें डंडियों पर ऐसे लपेटने हैं। और इसको अच्छे से दबाना है ताकि ये खुले नहीं। लपेटते समय अगर ऊपर से ऐसा मुंह खुला भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं, हमें वापस डंडियाँ निकालनी है। ये देखिए हमें चौड़े मुंह के बर्तन में पानी को उबालना है। हम उबलते हुए पानी में ये सोया छाप डाल देंगे। ये देखिए तल के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट और उबाल लेंगे। ये देखिए इनको उबालने के लिए मैंने गैस को मीडियम रख रखा है। इनको 3 मिनट बाद ऐसे पलट भी लेंगे ताकि ये आगे पीछे अच्छे से बफ जाए, बॉईल हो जाए। 5 मिनट बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ और इनको निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि अगर हम ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो इनकी परत सूख जाएगी। ये देखिए ठंडे पानी में हमने सिर्फ 5 सेकेंड रखा है। अब हम ये निकाल लेंगे, स्टिक निकाल लेंगे ऐसे। हम इनके ऐसे पीस बना लेंगे। चाइनीज़ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल रखा है, लहसुन को बारीक काट लिया है, हर एक छोटी सी हरी मिर्ची ली उसको भी बारीक काट लिया है, प्याज को भी बारीक काटने हैं। गरम तेल में लहसुन डाल देंगे। ये देखिए लहसुन हल्की सी फ्राई हो गई है और गैस को स्लो ही रखना है। तो अब प्याज डाल देंगे। ये देखिए हमारे प्याज लहसुन फ्राई होते हैं तब तक कॉर्नफ्लोर के अंदर हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, अब मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। साथ में हम ये डालेंगे विनेगर, एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस, ये एक चम्मच सोया सॉस, ये ग्रीन चिल्ली सॉस एक चम्मच, हम 2 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं और ये सॉस, ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम ये सोया छाप डाल देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर रस्सा नहीं रखना है, रस्सा एकदम सुखाना है। तो ये देखिए रस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी, फिर से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी।
अगर आपको चाइनीज़ और सोया चाप दोनों पसंद है तो फिर आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।